Hello everyone. We would be starting with flowcharts today, right? A designing tool in order to help programmers how to make the software basically. So, kehne ka matlab, you might be finding me standing in each and every lecture. Ye lecture mein mujhe thoda sa aap baitha hua paoge because उसमें खड़ा इसलिए रहना पड़ता है कि इट इज लाइक कंप्लीटली थेरोटिकल थेरोटिकल है लेकिन ताकि आपको लगे कि भाई बैठकर ये पढ़ा रहा एकदम आराम से तो आप सो न जाओ कंपैरेटिवली. बट फ्लोचार्ट्स ऐसा है जो कम प्रैक्टिकल टॉपिक है तो इसमें आपको चाहकर भी नींद नहीं आएगी और ये थोड़ा सा मजा भी आता है. थोड़ा अगर समझ में आ जाती है चीजें तो वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड वी थिंक दैट और नया वाला प्रॉब्लम आए जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो और नया वाला प्रॉब्लम आए जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो और फिर वो आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से में क्लिक करता है एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो दैट इज द ओनली रीजन वाई आई एम सिटिंग बिकॉज इसमें थोड़ा राइट करने का कंटेंट ज्यादा रहेगा लिखने का कंटेंट ज्यादा रहेगा और कुछ ड्रॉ करेंगे हम चीजें तो मेक श्योर दैट यू हैव अ नोटबुक विथ यू एज वेल सो दैट यू कुड टेक द प्रॉब्लम्स. देखो हर एग्जाम में आता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है. ऐसा कोई भी सवाल नहीं है इसके अलावा. देर इज नो क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द फ्लोचार्ट का क्वेश्चन विच हैज दिस मच अमाउंट ऑफ वेटेज फॉर अ सिंगल क्वेश्चन. इसका मतलब कि सारे सवाल आपको नजर आएंगे वो होंगे 4 मार्क्स के बट फ्लोचार्ट इज द अलोन क्वेश्चन विच टेक्स 8 मार्क्स एंड यू ऑल्सो हैव द इट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी और यू इफ यू हैव द कैपेबिलिटी यू कुड गेट 8 out of 8 marks. ओके मैंने कुछ आपको आंसर शीट्स भी बताई थी रिलेटेड टू सर्टिफाइड आंसर शीट्स जिसमें हमने देखा है कि हल्की फुल्की सी मिस्टेक्स जस्ट ड्राइव योर 1 or 2 marks अवे फ्रॉम यू. Whereas if you solve it, मतलब steps के marks से आपके मेहनत के marks से मतलब आपने पढ़ाई की है you may not be able to write the exact output. अगर ऐसा हो जाए तो भी हमको 8 में से 6, 8 में से 7 is a very huge number which you cannot get even if you write in the theory वाले questions. तो definitely if you get a question attempt it, okay? इज्जत से attempt करो 8 में से 8 मिल जाएंगे. आप सिर्फ ध्यान देना अच्छे से धीरे धीरे लॉजिक क्रिएट होता है. इट्स नॉट समथिंग कि इट वुड बी डन इमीडिएटली और ऐसा धीरे धीरे आएगा. ये बेस बनेगा कुछ सिंबल्स है वो समझेंगे उनका इस्तेमाल एंड इन 2 or 3 sessions वी वुड बी एबल टू रैप इट अप इजिली अच्छे से. वी वुड बी मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ गुड नोटबुक विथ अस. ऐसे कागज पर लिखकर वो कागज आप 4 दिन बाद ढूंढो न मिले ऐसी चीज मत करना. मेक श्योर दैट आप इज्जत दो इसको भी और बुक और पेन अच्छे से मेंटेन करो एंड मेक श्योर दैट कैसा होगा कि कुछ कुछ चीज ऐसी होगी कि जो ट्रिक्स होंगे जो कुछ टिप्स होगी जो यू नीड टू फॉलो विच जो मैं डायरेक्टली अभी नहीं दे सकता. हम कुछ सॉल्व करेंगे और फिर हमारी वो ट्रिक डेवलप होगी. तो जो ट्रिक डेवलप होती है ना तो दैट इज समथिंग विच इज बी रिटन एट द टॉप ऑफ द मार्जिन ऑफ द पेज. जानबूझ के हम वहां पर वो लिखेंगे ताकि आपके पास जब कम समय रहे तो आपको वो टिप पढ़कर यू कुड बी एबल टू सॉल्व इट इजिली. मतलब कौन से सवाल को पढ़कर किस तरीके का तरीका अपनाना है विच मेथड टू बी यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व इट यू वुड कम टू नो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन बिकॉज वी हैव स्पेसिफिक मेथड्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट वुड बी ईजी इट वुड बी जस्ट दैट हाउ यू टेक इट और हाउ आर लॉजिक इज डेवलप्ड उसके ऊपर है पूरा क्योंकि इट इज अबाउट क्रिएटिंग द लॉजिक ऑफ द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का लॉजिक किस तरीके से बनेगा ना ये इसमें क्योंकि सॉफ्टवेयर का लॉजिक सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी दैट वुड बी डिसाइडेड इन इट. एज इन After drawing the flowchart, you won't be thinking about the logic of the software. एक बार बन गया ना मतलब building का blueprint बन गया ना फिर ये नहीं सोचते कि इधर ये room नहीं होना चाहिए इधर ये room होना चाहिए. Okay, once you make it, you just have to implement it. Understanding? यानी this is like the most important tool in order to make softwares. Okay, ये अगर आप सही से बना दोगे तो organization would be able to make the softwares in a correct manner. They won't be thinking about the logic again while making the software. They उनको सिर्फ काम है कि इसको implement करना है. So we would be starting with it. We would be understanding it. देखो तीन प्रकार के flowchart होते हैं syllabus में. One is known as document flowchart. Okay, one is known as system flowchart and one is known as program flowchart like we have seen. So we don't need to practice anything related to document or system. The only flowchart which we have to practice or which can be a question in the exam is known as program flowchart. Usme humne dekha tha ki it consists of some kind of arithmetic and logical operation. Okay, to ye calculation karne mein madad karega. Aap
किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर एट द बैक कैलकुलेट कर कर रिजल्ट देता है, उस तरीके से वो कैलकुलेशन हम उस डिजाइन में डालेंगे या फ्लो चार्ट में डालेंगे और वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेगा। देखो कुछ कुछ चीज शायद आपको समझ में आ रही हो, शायद यू मे नॉट बी एबल टू, अभी वो उतना शायद आप हिस्सा ले नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर नो मैटर व्हाट टाइप, देखो फ्लो चार्ट अपने सिलेबस में ना, ऐसे तो फ्लो चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, बट वी जस्ट हैव अ फिक्स्ड एरिया विच वी वुड बी कवरिंग, क्योंकि उतना एरिया का ही हिस्सा एग्जाम में आता है। ओके, तो वो एरिया एक बार कवर हो जाए, वो एक पर्टिकुलर डोमेन में ही वो खेलते हैं, उसी में पूछते हैं, दे डू नॉट गो आउट ऑफ दैट। ओके, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही हर फ्लो चार्ट का बनेगा, आपको ये समझ में आएगा कि वो डोमेन एक बार अपना स्ट्रांग हो जाए तो अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि किसी तरीके का भी आए, इवन इफ इट इज आउट फ्रॉम द डोमेन, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, वो तो होगा ही, बाकी अपने डोमेन में तो अपन राज करेंगे। ऑलराइट, सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद इट, मेक श्योर दैट यू हैव अ बुक एंड पेन एंड मेक अ नोट ऑफ द थिंग्स विच आई टेल यू। ओके, मतलब आपको ये समझना है कि फ्लोचार्ट बनाने के लिए वी नीड सम सिंबल्स। ओके, तो वी नीड सम, जैसे हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखा या फिर डेटा फ्लो डायग्राम देखा, तो उनसे हमको यह आइडिया आया कि दीज आर द सिंबल्स विच वुड बी यूज्ड फॉर दोज काइंड्स ऑफ डायग्राम्स, एज इन दोज आर द बेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ईच एंड एवरी सिंबल सो दैट वी कुड यूज देम अप्रोप्रिएटली वेयर रिक्वायर्ड। तो वो हर सिंबल का मतलब समझेंगे, पहले सिंबल्स लिख के लेंगे, धीरे धीरे आनंद से वी वुड बी एबल टू कम्प्लीट इट। तो आई विल जस्ट टेल यू द सिंबल्स कि उनका काम क्या है बेसिकली, विल मेक अ नोट अलॉन्ग विथ मी। ओके, आई विल स्टार्ट नाउ, फ्लो चार्ट सिंबल्स। ओके, थोड़ी सी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, लेकिन आप जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी राइटिंग सिस्टम पर ही नहीं, पहले से ही थोड़ी सी ऐसी है। तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड बेयर विथ मी। राइट, फ्लो चार्ट का सिंबल्स, उसमें देखो इसमें आपको आइडिया दे देता हूं मैं कि क्या होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे बेसिकली। तो कहने का मतलब, it starts from a symbol like an oval shape which is start, it ends with a symbol which is like an oval shape which is stop. Okay, to start se hoga, stop se hoga. To we'll just draw this, I'll try to draw it, you also try to draw it. Start, okay, start se start hoga. Okay, uske baad this har, matlab this is understood that every program will begin with start. So if you just draw the start and come in the exam, you will be getting a zero. Okay, because it is just a box which won't give you marks. So logic usme nahi aaya. Uske baad kaisa hai ki kuch applications mein user se input lena padta hai, like you type the input, matlab फ्रंट एंड अलग बैक एंड अलग, अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है तो, यानी फ्रंट एंड यानी वो फेसबुक का लॉग इन पेज, यूजर नेम पासवर्ड, दैट इज फ्रंट एंड, और वो एमएस एक्सेस जैसा डेटाबेस जहां पर डेटा जाकर स्टोर हो रहा है। एक्चुअली देखो डेटाबेस के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनता है, और फ्रंट एंड यानी वो लॉग इन वाला पेज जहां पर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है, जो हम इंटरैक्ट करते हैं बेसिकली, उसके लिए फ्लो चार्ट बनते हैं। ओके, सो देर शुड बी अ डिफरेंस इन योर माइंड दैट दिस इज फॉर फ्रंट एंड एंड दैट इज फॉर बैक एंड। तो उसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं, है ना, कि मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड इज समथिंग विच यूजर टाइप्स। ओके, साइन अप के फॉर्म पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज समथिंग विच यूजर टाइप्स। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए वी हैव अ बॉक्स विच इज लाइक अ पैरेललोग्राम शेप्ड। ओके, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ओके, या फिर इसको बोलते हैं रीड बॉक्स। ओके, मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट, साथ में रहो मेरे। नाउ इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, इनपुट लेने के बाद क्या होता है, इंटरनल किसी ना किसी प्रकार का कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन क्या हो सकता है, इट कुड बी दिस इफ यू नो व्हाट दिस मींस, इट कुड बी दिस इफ यू नो व्हाट दिस मींस, इट कुड बी दिस, आई डिडंट राइट दिस, हम ये नहीं लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, बिकॉज डिवीजन इज लाइक अ फॉरवर्ड स्लैश, इवन इफ यू ओपन अ कैलकुलेटर यू वुड बी एबल टू सी अ फॉरवर्ड स्लैश। राइट, तो कंप्यूटर के हिसाब से ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे एस्ट्रिक्स। राइट, तो ये करने के लिए वी हैव अ बॉक्स विच इज लाइक अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है ये, और इसको बोलते हैं
process box. Okay, process box would be doing these kinds of calculation, arithmetic and logical calculation. जो अपना ALU करता है ना in CPU, वो वाला less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. ओके, बुक में कुछ नहीं है, बुक बुक के सिंबल्स वो एडिशनल है, तो अपन को इन्हीं सिंबल्स में खेलना है. ओके, स्टार्ट इनपुट प्रोसेस. नाउ अभी देर इज समथिंग विच इज, कई बार ऐसे होगा कि वो सिस्टम इंटरनली ये भी चेक करेगा कि वेदर द थिंग्स विच यू हैव टाइप्ड इज राइट और रॉन्ग. दो डिसीजन, दो आउटकम्स हो सकते हैं, आइदर गिव देम, आइदर गिव द एंट्री टू द पर्सन और डोंट गिव द एंट्री टू द पर्सन. यानी दो आउटकम्स जब निकलते हैं, येस और नो वाले, ऐसा डिसाइड करने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज अ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स वुड बी समथिंग लाइक दिस, अ डायमंड शेप्ड. ओके, जिसका बेसिकली एक इनपुट रहेगा हमेशा एंड इट वुड बी हैविंग टू आउटपुट्स. इसके अंदर इफ करके कुछ लिखा हुआ रहेगा, कोई स्टेटमेंट और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क. ओके, क्वेश्चन मार्क. तो ये येस वाला हो सकता है, ये नो वाला हो सकता है. यू कुड ऑल्सो राइट ट्रू, यू कुड ऑल्सो राइट फॉल्स, जैसे आपको सही लगे. ओके, मेक श्योर दैट इफ यू मेक मल्टीपल डिसीजन बॉक्सेस, फॉलो वन थिंग, फॉलो वन. वाई रख रहे तो पूरे फ्लो चार्ट में वाई रखो, टी और एफ रख रहे तो पूरे फ्लो चार्ट. एम्बिग्यूटी मत करना, किसी प्रकार के ऐसे मस्ती मत करना उसके साथ, एक चीज ही रखना, इज्जत देना उसको. ओके, स्टार्ट इनपुट प्रोसेस डिसीजन. नेक्स्ट कैसा है कि वेन यू लॉग इन, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, लाइक कैलकुलेटर ही समझते हैं. इनपुट दिया आपने वन और टू का एडिशन, उसमें प्रोसेसिंग हुई, उसने ऐड किया एट द बैक एंड देन इट शोड यू द आउटपुट. ओके, आउटपुट दिखाने के लिए अगेन देखो कैसा है, आउटपुट दिखाने के लिए देर आर टू थिंग्स, वो थोड़ा सवाल पे डिपेंड करेगा, बट यू कैन आइदर यूज दिस इज नोन एज. देखो ये ड्रॉ करने के लिए ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन बड़ी खींचनी है, राइट हैंड साइड वाली लाइन छोटी खींचनी है. ओके, ये तो कनेक्टेड रहेगी ही, दिस इज समथिंग विच इज टू बी मेड. ओके, इसको बोलते हैं प्रिंट बॉक्स. ओके, तो स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट देना है ना, तो प्रिंट बॉक्स यूज हो सकता है, या फिर यू कैन यूज दिस बॉक्स विच इज सिमिलर टू इनपुट बॉक्स. अब अपन को ये कैसे पता चलेगा, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो कि सर यही इनपुट के लिए, यही आउटपुट के लिए. ओके, तो फिर हाउ वुड आई कम टू नो दैट दिस इज फॉर इनपुट और दिस इज फॉर आउटपुट व्हेन आई वुड बी मेकिंग इट. व्हाट यू वुड बी डूइंग, देर आर सम सिंबल्स वेयर यू वुड बी राइटिंग द वर्ड्स इनसाइड देम, इनपुट और फिर वो वैल्यू. ओके, इनपुट ए, इनपुट बी, यानी वो शब्द इनपुट उसके अंदर आएगा, रीड ये शब्द उसके अंदर आएगा, आउटपुट में ये शब्द उसके अंदर आएगा. ओके, प्रिंट में भी ये शब्द उसके अंदर आएगा, नॉट इन प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस अकेला है. ओके, वैसे तो प्रिंट भी अकेला है, लेकिन प्रिंट अपन को लिखना पड़ेगा, और प्रोसेस अकेला है, रेक्टेंगल से समझ जाएगा कि दिस इज द प्रोसेस बॉक्स. आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक बॉक्स है जिसका सेम मीनिंग है, एक बॉक्स है जिसका सेम मीनिंग है, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग द नेम इनसाइड इट, राइट. सो दिस, दीज आर द सिंबल्स थ्रू विच यू वुड बी प्लेइंग. देर वुड बी समथिंग नोन एज अ कनेक्टर एज वेल. ओके, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर, आप ये ड्रॉ कर दो, बाद में मतलब समझ लेंगे. एक कनेक्टर होगा, इसको कनेक्टर बोलते हैं, क्या कनेक्ट करता है, क्या नहीं कनेक्ट करता है, हम बाद में अपने आप समझ जाएंगे. ओके, फिलहाल सिर्फ लिख दो. मेक श्योर दैट यू मेक स्ट्रेट लाइन्स. ओके, मेरे तरह इस तरीके से कर्व मत बनाओ. ओके, दीज आर स्ट्रेट्स, ऐसा ये कोई समंदर की लहरें नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं. राइट, स्टार्ट इनपुट प्रोसेस, ये हो गया. एंड लास्ट इज खत्म करने. राइट, लास्ट बॉक्स विच वुड बी स्टॉप बॉक्स. डन. सो दीज आर द सिंबल्स विच यू वुड बी यूजिंग. देखो अब ये सिंबल्स अगर आपको हल्के फुल्के समझे है तो अपन आगे बढ़ेंगे. आगे किससे बढ़ना है, आगे करना क्या है, आगे डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने. राइट, जब भी वेन यू आर अवेयर ऑफ द थ्योरी ऑफ हाउ टू ड्राइव अ बाइसिकल और हाउ टू राइड अ बाइक बेसिकली,
व्हेन यू अवेयर ऑफ व्हेन यू रेड अबाउट इट कि ये यूज करना है, क्लच ऐसा, ब्रेक ऐसा, एटसेट्रा ऐसा, फलाना ऐसा, तो फिर बाद में गाड़ी पर उतर कर चलानी पड़ेगी ना, चार बार गिरेंगे, इधर अपन गिरने वाले अभी, वी आर गोइंग टू फॉल 2 to 3 times, 4 to 5 times, डिपेंड्स हाउ योर माइंड इज टू ग्रास्प, हाउ माइंड योर माइंड कैन ग्रास्प इट, एंड इज ऑल्सो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर टीचर इज. ओके, तो दोष सिर्फ आपको मत देना, दोष मेरा भी है अगर आपको ये धीरे समझ में आता है या कम समझ में आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चीजें समझ आ जाएगी. ओके, तो वो आप मेरे को वो मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूं, लेकिन अगर इफ इट टेक्स टाइम, सो इट्स नॉट दैट कि इट्स यू, इट्स मी एज वेल. ओके, एज वेल. ओके, अपन शेयर करेंगे वो भी, राइट. सो दीज आर द सिंबल्स. ओके, आई होप यू हैव मेड अ नोट ऑफ इट, क्लियर है. नाउ अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, ईमानदारी से एक प्रॉब्लम लेते हैं. देखो, यूजुअली एक चीज ध्यान में रखेंगे, एक चीज अभी बताओ या बाद में बताओ. देखो, एक चीज ध्यान में, चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम करने के बाद बताता हूं. नाउ वी वुड बी टेकिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेते हैं. जो प्रॉब्लम ये बोलता है कि वी वुड बी ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट. ओके, टू टेक, एक काम करते हैं, डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम बता ही देता हूं. राइट, ये वाला प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी दिस? If you could see this, okay, draw a flow chart to compute and print simple interest taking P, N, R as inputs. Right? ऐसा problem है, अपने book में पहले ये problem लिख लो एक बार. Problem तो लिखो, question नहीं है अपने पास, कैसे फिर करोगे बाद में practice? Question तो लिखने पड़ेंगे. Question कोई कोई बड़े बड़े भी है तो मैं तो लिखवाऊंगा. इसका अगर picture भी लोगे तो आपको तो बैठना पड़ेगा फिर, जो लिख रहे तब तक. तो डू नॉट टेक एन इमेज ऑफ इट, लेनी तो ले लो लेकिन रुको फिर. डन. Draw a flow chart to compute and print simple interest taking P, N, R as inputs. देखो ये basic problem है, इससे simple कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपन लिखा आपने. ओके, नाउ अभी थोड़ा सा मैं orally समझाने की कोशिश करता हूं और आप ये करने की कोशिश करेंगे. हर flow chart के लिए हम समय देंगे, मैं रुकूंगा आपके लिए, आप कोशिश करना. और कोई प्रॉब्लम रही तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर तो है, वो वाली चीज तो है, लेकिन अभी लाइव में विल हैव टू मेक श्योर दैट आई गिव यू टाइम एंड यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट. सो यू हैव रिटन द प्रॉब्लम नाउ. सो हाउ कैन यू स्टार्ट, व्हाट कुड यू डू अकॉर्डिंग टू यू? वी विल बी स्टार्टिंग विथ स्टार्ट. देन सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है, अरे यार जस्ट अ मिनट. ओके, ऑलराइट. The question says that draw a flowchart to compute and print simple interest taking P and R as inputs. So how will you start? What would be after start? What could be after start? Discover the principle, the values. देखो, ये फ्लो चार्ट जो बनेगा ना, ये जनरल बनेगा. जनरल का मतलब क्या, कि जो अपन को इनपुट बोला है वही इनपुट लेना है, उसी के साथ फॉर्मूला लगाना है. Do you know what is the formula of simple interest? Simple interest ka formula. What is it? PNR upon 100 ya PNR, whatever it is. Dekho, formula maine nahi rakhta, lagayenge kis tarike se wo maine rakhega. To ye bolta ki input lo PNR. To input box likho aur PNR likho. We would be making it general. Ye apan ko value nahi nikalni iske liye, because flow chart would be general. Are you understanding? You cannot make something specific. Like calculator mein agar humko calculator ka flow chart banana hai aur addition ka kuch likhna hai, we won't be writing 2 plus 3. It won't be working only for 2 plus 3. It would be working for general. Whatever input is given, we have to consider it general and we have to apply the formula to that only and we have to print it. Koshish karni hai. Input kya rahega fir isme? Jo sawal bol raha hai wo. It would be P, N, R. Then what you would be doing? Input mil gaya, uske baad? प्रोसेस. ओके, प्रोसेस होगा तो प्रोसेस बॉक्स लिखेंगे एंड यू वुड बी राइटिंग द फॉर्मूला इनसाइड इट. मतलब देखो, ये जो बॉक्सेस है ना, ये जो बॉक्सेस, ये एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे. ऑलराइट, दिस वुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज. राइट, तो स्टार्ट ड्रॉ करेंगे, ये स्टार्ट ड्रॉ किया, उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे आपके हिसाब से? उसके बाद वी वुड बी ड्रॉइंग
इनपुट, इनपुट में इनपुट लिखेंगे ये शब्द. ओके, इफ इफ द प्रोग्राम सेज दैट, इफ द प्रोग्राम सेज दैट ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एंड प्रिंट टेकिंग रीड पी एन आर, ऐसा अगर लिखा हुआ रहा, ऐसा अगर लिखा हुआ रहा रीडिंग, रीडिंग पी एन आर एज इनपुट, तो यू वुड बी राइटिंग रीड इन साइड द इनपुट बॉक्स. और अगर इनपुट रहा तो इनपुट लिखो, हालांकि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप रीड के लिए भी इनपुट लिखते हो तो. राइट, सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग. ओके, इट्स नॉट समथिंग कि वो मैं पूरा बता दू, स्टार्ट वॉट विल यू डू. ओके, स्टार्ट करो, मैं रुकता हूं आपके लिए, स्टार्ट ड्रॉइंग, इनपुट बॉक्स निकालो, प्रोसेस निकालो, आउटपुट निकालो, क्या होता है देखते हैं. राइट, इधर देखेंगे. ओके, काफी हद तक यू ट्राइड टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द बॉक्सेस. ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक. देखो, इतना तो समझ में आता है. देखो, कुछ कुछ चीजें आप क्या करना, अरे यार इसको क्या हो रहा. ओके, कुछ कुछ चीजें आप क्या करना कि साथ में यू कुड मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, बट समझना पहले. देखो, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो इतना तो सबने किया ही होगा. राइट, स्टार्ट, इट टेल्स मी दैट यू हैव टू टेक इनपुट एस पी एन आर. राइट, सो ये वाला बॉक्स लगेगा इनपुट के लिए, ऑब्वियस. अब इनपुट बोलता है कि इनपुट द बॉक्स इज सिमिलर टू द आउटपुट बॉक्स एज वेल, हेंस वी वुड बी राइटिंग द वर्ड इनपुट. इनपुट यह शब्द लिखेंगे, लेकिन इट वुड बी आफ्टर द इनपुट, वी वुड बी राइटिंग इनपुट फर्स्ट एंड देन इट वुड बी पी कॉमा एन कॉमा आर. ओके, ये वाली बात, पहले पी एन आर नहीं, पहले इनपुट ये शब्द और फिर पी एन आर. राइट, उसके बाद प्रोसेस बॉक्स आएगा, प्रोसेस बॉक्स. ओके, प्रोसेस बॉक्स में अपन क्या करेंगे, इट वुड बी पी इंटू एन इंटू आर. ओके, सॉरी, दिस शुड मैच. ओके, तो दिस शुड बी रब करे रबर रबर है रबर रब हो गया, आएंगे इसके ऊपर. ओके, तो मेरे पास भी रबर है. राइट, तो आर, तो मैच होना मांगता. देखो, कंप्यूटर में ना ये छोटी और बड़े अल्फाबेट्स के अलग अलग कोड स्टोर्ड रहते हैं, तो यू कैन नॉट लाइक ऊपर अपर केस है नीचे स्मॉलर केस. ओके, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ASCII वैल्यू, वो क्या है उसको रहने देते अपन. मतलब ए की वैल्यू, बड़े ए की वैल्यू लगभग 62-63 है, छोटे ए की वैल्यू 40s में है. राइट, सो वो लोचा करेगा फिर अंदर. तो दिस इज लाइक पी एन आर लिखा मैंने. ओके, दिस शुड बी रेक्टेंगल. ओके,
नाउ अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल तो बना दिया, अब आई वुड बी प्रिंटिंग, ओके प्रिंट लिखा इसमें, इधर तक आपने किया था, आई होप यू हैव ऑल्सो डन इट टिल यर, और उसके बाद स्टॉप किया मैंने, चलो ये इतना भी ठीक है। अभी कैसा है कि प्रिंट करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट डू यू नीड टू प्रिंट, अ प्रिंट बॉक्स कैन नॉट बी लाइक, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो मेरी ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ आएगा ही नहीं, नथिंग एट ऑल, इट वुड बी जस्ट बी अ ब्लैंक, सॉरी इट वुड जस्ट बी अ ब्लैंक स्क्रीन, सो आई नीड टू राइट समथिंग ओवर हियर। आपको एक चीज समझनी होगी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बेस्ड, एक एक फ्लो चार्ट जैसे समझेंगे कुछ कुछ चीजें खुलती जाएगी। इक्वल टू का मतलब होता है, इन केस ऑफ फ्लो चार्ट इसका मतलब होता है कि इट इज एन, सुन लो फिलहाल समझेगा आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या कि इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे कि अगर मैं लिखूं कि ए इक्वल टू बी तो बी की वैल्यू ए में आ जाए, ऐसा ओके, जो भी बी की वैल्यू है वो ए में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा इधर, आई वुड बी राइटिंग इक्वल टू एस आई, यानी दिस वैल्यू वुड बी स्टोर्ड इन एस आई, नाउ दिस इज समथिंग विच इज टू बी प्रिंटेड, अंडरस्टूड, एस आई डन कंप्लीटेड, दिस इज ऑल सिंपल ओके। सो एस आई मतलब अगर मैं इसमें कीड़े करूंगा ना, लाइक इधर डॉट लिखा, इधर डॉट लिखा, मेक श्योर दैट आई राइट डॉट एंड डॉट ओवर हियर एज वेल, ओके वो आप बारीकियों पर भी ध्यान देना, मैं हूं वो ध्यान देने के लिए, तो आप ये सिर्फ ये नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो कि इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर और बी की वैल्यू ए में आ जाए, और आपका फ्लो चार्ट इस हिसाब से करेक्ट कर सकते हो, यानी प्रिंट के साथ देर वुड बी समथिंग विच वुड बी द वैल्यू विच वी नीड टू प्रिंट। Now, अब कैसा है कि अगर प्रॉब्लम में दिया है कि टेक पी कॉमा एन कॉमा आर एज इनपुट्स, अगर प्रॉब्लम में दिया होता कि वेयर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम और नंबर ऑफ इयर्स है ना, ये होता है उसका मतलब, टेक दिस एज इनपुट एंड प्रिंट, तो उसमें आप अगर पी एन आर यूज करते तो यू यूल हैव टू स्पेसिफाई इट कि पी मीन्स दिस एंड मीन्स दिस एट द वेरी बिगिनिंग, ओके वेरिएबल्स यूज इन द फ्लो चार्ट आर, आई एम सॉरी, हाहा ये एन है, ओके ओवर राइट किया मैंने, ओवर राइटिंग जो अपन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पी आर एन, तो कहने का मतलब कि अगर एग्जाम में अगर इफ वी आर यूजिंग, अगर मैंने यहां पर इनपुट प्रिंसिपल ये शब्द लिया होता ना, तो फिर अगर प्रॉब्लम में दिया होता कि इनपुट प्रिंसिपल एंड इफ आई यूज प्रिंसिपल एज द होल वर्ड, तो मेरे को सब जगह यूज करना पड़ता और मेरा फ्लो चार्ट मेरे को बनाने में तकलीफ भी होती, बहुत ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश के लेटर्स आ जाते हैं उसमें, प्रिंसिपल नंबर ऑफ इयर्स, इधर भी ये यूज करना पड़ता, ओके इधर भी अपन को ये पूरी तरीके से यूज करना पड़ता, इफ यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो कहने का मतलब हमने ये डायरेक्टली हमारे प्रॉब्लम में ही दिया था पीएनआर, नहीं तो नहीं दिया होता तो हम प्रिंसिपल क्या है पी है, रेट क्या है आर है, और नंबर ऑफ इयर्स क्या है एन है, ऐसा हम डिनोट करेंगे आगे वाले फ्लो चार्ट में, हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, क्लियर है। सो दिस कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जस्ट राइट दिस प्रॉब्लम, ओके सॉरी इसको बड़ा कर देते हैं अपन,
Done? Yeah, I wrote the question. Yeah, if you have written the question and if you have understood the question. इसमें क्या करेंगे अपन? कैसे? How can we move ahead? Start से start. उसके बाद? What does it say? Input? Input would be? Okay, A, B. उसके बाद? इसमें अपन को चेक करना है कि बड़ा कौन सा है. तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन. ओके, वी डिडंट. हर फ्लो चार्ट में हर सिंबल यूज हो जरूरी नहीं है. पिछले फ्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स आया नहीं, इसमें आ सकता है. जरूरी नहीं कि इनपुट के बाद ही प्रोसेस आए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, किसी के बाद भी कुछ भी आ सकता है. तो वो आप मित मत रखना कि पहले इनपुट फिर प्रोसेस एटसेट्रा. एनी सिंबल कैन कम आफ्टर एनी सिंबल, राइट? सो कहने का मतलब आपने इनपुट लिया ए कॉमा बी, उसके बाद यू वुड बी अप्लाइंग अ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स में क्या लिख सकते हैं हम? व्हाट वी कुड राइट? वी हैव टू टेक अ डिसीजन. एक ऐसा डिसीजन लिखेंगे जिसका नो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो गया होगा. सो व्हाट यू कुड राइट? इफ व्हाट, कौन किससे ज्यादा? ए ग्रेटर देन बी. ओके, ऐसा. उसका यस कुछ, उसका नो कुछ. यस रहा तो yes rato, it means that a is greater. So what you would be doing? And no rato, iska matlab kya? No rato iska matlab kya? Kaun sa bada hai? Done, right? And both would be connected to a common stop. Okay, because ya to wahan se jayega ya to yahan se jayega, it won't be interrupting. Matlab apna jab flow chart shuru hota hai, decision box aata hai, तो वो फ्लो चार्ट में एक डिसीजन बॉक्स का पाथ से ही वो स्टॉप पे पहुंचेगा. दोनों में तो जाएगा नहीं, यस में या नो में. तो कहने का मतलब हम एक कॉमन स्टॉप रख सकते हैं. ओके, तो आप ट्राई करो, देखो क्या होता है. जस्ट ट्राई इट, राइट? आई होप यू आर नॉट फाइंडिंग इट बोरिंग. स्टार्ट एंड स्टॉप शुड बी इन वन लाइन. That is what, yeah, those can be, but make sure that you draw this in one line. Okay, do not make it horizontal. This should be in one line only. वो तो ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्ट ये अपने सिलेबस के हिसाब से है कि देखो, स्टार्ट हम बनाते हैं ना, स्टार्ट वी मेक स्टार्ट. ओके, ये सुनना. हर स्टार्ट के बाद आप एक बॉक्स लगाओगे, हर स्टार्ट के बाद, इन एवरी प्रॉब्लम विच वुड बी नोन एज CAWL. सुनना मेरी बात. CAWL stands for clear all working locations. इसका मतलब क्या? Do you remember the input control का, ये input वगैरह करता ना flowchart. Input controls में there was field initialization where it used to reset the values of the field so that next instruction could begin. If you remember. तो कहने का मतलब इसमें भी आप ये CAWL लिखोगे ताकि अब मैं नया प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं, सारी जो मेमोरी है वो रिसेट कर दो जीरो पर लेकर. जीरो भी नहीं, नल. ओके, इट इज समथिंग. जीरो और नल में देयर इज अ डिफरेंस. लेकिन वो रिसेट कर दो मेमोरी ताकि मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर सकूं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बाकी चीजों को मारो गोली. दिस वुड बी स्टार्ट फॉर अस, इन शॉर्ट. खत्म, बात इज खत्म. या सो दिस इज स्टार्ट फॉर अस. ओके, एवरी प्रॉब्लम. उसके बाद जो करना है वो करो. ओके, what does it mean if it is yes?
Done. This time, this. Oh, can you get here? No. I'll show it to you. Let's start, right? Start से start करेंगे. Maximum चीज आपकी सही है. Start से start किया. उसके बाद क्या आएगा? CAWL. CAWL क्या है? यहाँ पे लिख लेना. Just the full form, right? उसके बाद remember that you write it in the exam. उसके बाद अपन को बोला गया है input. Input A कॉमा B ही लिखेंगे. We won't be writing A and B because AND is a logical operator. And logical operations आप सिर्फ process box में ही कर सकते हो और आपको इधर कहा ही नहीं है कि यार AND का कोई logical operation लगाना है. Okay, तो आप make sure करना कि आप comma use करो. उसके बाद we write a decision box. Decision लेना. If A is greater than B, question mark. It could be yes, it could be no. कहीं भी कोई भी आ सकता है. Yes left में आ सकता है, राइट में आ सकता है, डजंट मैटर. ओके, अगर ये यस है तो समझ गया कि ए बड़ा है, तो चुपचाप प्रिंट कर दो ए, प्रिंट ए. लेकिन इसका क्या है, नो, यानी इसका भी कुछ आउटकम है, यानी बी को इज्जत मिल गई. आई एम सॉरी, इट शुड बी अ कर्व. ओके, प्रिंट बी, राइट. तो आपका फ्लो चार्ट या तो जाएगा इधर, डिसीजन लेगा, देन इट वुड आइदर गो दिस वे इफ बी इज ग्रेटर. वी आर नॉट चेकिंग फॉर ए इक्वल टू बी. ओके, तो ये यहां पर जाएगा, यहां से निकलेगा और यहां से यू कुड कनेक्ट इट टू अ कॉमन स्टॉप. समझ रहा है? ओके, दिस वुड बी द, ये जो एरोज में निकल रहा हूं ना, लाइंस के ऊपर जो ये एरोज, ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं. ओके, तो यू कुड मेक श्योर दैट यू इंक्रीज इट. रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं ये आपके फ्लो चार्ट की. तो यहां तो रहेंगे ही एरो, देखो यहां पर तो रहेंगे ही, बट जहां पर बड़े लाइन्स है बेसिकली, हर हर बॉक्स के पहले यू मेक श्योर दैट यू हैव दैट एरो का सिंबल. ओके, अच्छे से. ओके, मेरी तरह नहीं. अंडरस्टूड? कोई डाउट?
डन राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लिख कर लेना, देखो किस तरीके से कर पाओगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, दैट वुड बी देयर। सो दिस इज द प्रॉब्लम, आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड वील ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडियंस इज 10% एंड 20% अदरवाइज। सो दिस वुड बी इनपुट पी कॉमा एन, तो प्रिंसिपल नंबर ऑफ इयर्स, इसको इनपुट नहीं इसमें कीड़े करते हैं, और इसको कर लेते हैं रीड रिटर्न एटलीस्ट द क्वेश्चन। ओके, अब किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इसमें, वॉट कुड यू डू? स्टार्ट ए डब्ल्यू एल, इनपुट क्या रहेगा? सो वॉट यू वुड बी राइटिंग इन द इनपुट बॉक्स, इफ यू वुड बी राइटिंग पी कॉमा एन, तो उधर फिर यू हैव टू राइट इट एट द वेरिएबल्स यूज आर पी कोलन प्रिंसिपल एन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, वो लिखेंगे, उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रिक डाला है। ओके, तो आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं इसमें? ओके नाइस, तो वो इफ इंडियन रहा तो वो बॉक्स में क्या लिखोगे? यस रहा तो 10%, नहीं नहीं तो सिर्फ 10% लिखोगे ऐसा? सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? इक्वल टू, हाँ तो R की वैल्यू क्या है, तो P इंटू एन इंटू, समझ रहा है? दैट इज समथिंग 10%, या फिर क्या होता है 10/100, दैट इज 0.1 या 0.01। ओके, सो कहने का मतलब वो डिसीजन बॉक्स में आप एक चीज थोड़ी सी एडिशनल कर सकते हो कि इफ इंडियन क्या, तो वो बेसिकली नेशनैलिटी रहता है। ओके, तो यू इन इनपुट यू कुड टेक पी एन, और इधर मैं एक और चीज बोल देता हूँ आपको, चलो ठीक है, आपको एक हिंट दे दी, फिलहाल मैं थोड़ा सा रहम कर लेता हूँ आप पे, नेशनलिटी। अब इफ नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, यस नो, डू इट। ओके, सो नेशनलिटी पूरे शब्द के बदले यू कैन राइट एनएटी अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन। ओके, लेकिन एन और एन दोनों मत लिखना फॉर वन थिंग, कि नंबर ऑफ इयर्स के लिए भी एन और नेशनलिटी के लिए भी एन, ये फिर गड़बड़ है। तो आप देखो किस तरीके से करते हो, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा।
It is here. No, it isn't. कंप्यूट इतने होशियार हो ना आप लोग. लो अब प्रिंट करो. प्रिंट करना ही है, वो प्रॉब्लम की कमी है. ओके तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. नया राइट इफ वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट नाउ. देखो ये बेसिक्स है, ये ऐसा सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, बट यू आर बिकमिंग फेमिलियर विद द सिंबल्स नाउ. स्टार्ट इनपुट मैं लूंगा, नहीं सॉरी CAWL वेरिएबल्स यूज इन द फ्लो चार्ट आर. उसके बाद रीड बोला है, रीड. ओके क्वेश्चन में रीड है ना, सो रीड नॉट इनपुट. चेंज करना अगर रीड क्या करेंगे, पी कॉमा एन कॉमा एन ए अगर मैंने लिया, यहां पे पी इज प्रिंसिपल एन इज नंबर ऑफ इयर्स. ये आप लिखना अगले प्रॉब्लम से. ओके इसके इसके मार्क्स कट सकते हैं आपके सजेस्टेड में, सारे आंसर्स में दे हैव दिस रिटन. ओके अब रीड किया, अब नेशनलिटी के ऊपर से डिसाइड करना है. इफ नेशनलिटी एन ए जो मैंने लिया है उसी को इंडियन, अगर इंडियन है क्वेश्चन मार्क, यस नो. अगर यस है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा एस आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू, इंडियन है तो कितना है 20%, 10%. ओके तो इट वुड बी लाइक 0.1 है ना. ओके उसके बाद इट वुड बी, अगर नो है तो एस आई इक्वल टू P into N into 0.2. Done. Common print box can be there. मतलब common print box इसलिए क्योंकि या तो यहां से आएगा और यहां प्रिंट कर देगा, या तो फिर यहां से आएगा. कहने का मतलब इट वॉन्ट बी ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग वाला कोई सीन नहीं रहेगा इसमें. okay, ये एरो ये इधर प्रिंट दो किया तो भी ठीक है, लेकिन अगर कम में हो रहा है तो कम किया हुआ ज्यादा प्रोग्राम अच्छा रहता है, मेमोरी कम यूज होगी उसमें. ओके तो यू वुड बी मोर एफिशिएंट कंपैरेटिवली. तो प्रिंट प्रिंट किया, ये सब जगह एरोज का ध्यान दो. ऑलराइट प्रिंट एस आई एंड कॉमन स्टॉप. डन अंडरस्टूड, कोई डाउट? ठीक जिन्होंने नहीं किया है तो करेक्शन कर लो. ओके हमने रेट इनपुट क्यों नहीं लिया, व्हाई डिडंट वी टेक रेट एज इनपुट? इधर आर इनपुट क्यों नहीं लिया अपन ने बेटा, आर इनपुट क्यों नहीं लिया? अरे आर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो फिर क्यों इनपुट लेंगे? अगर कोई अपन को पूछने, अगर कोई बंदा अपने पास आ रहा है एंड वी नीड टू कैलकुलेट हिज सिंपल इंटरेस्ट, हमको ये पता है कि भाई उसकी नेशनलिटी पूछेंगे उसको कि भाई तेरा नेशनलिटी बता, प्रिंसिपल बता, नंबर ऑफ इयर्स बता, तो फिर हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे रेट बता. उसने नेशनलिटी बता दी तो उससे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ऑलरेडी, सो इट्स नॉट समथिंग वी वुड बी आस्किंग हिम. इफ ही टेल्स मी द नेशनलिटी आई वुड कम टू नो हिज रेट. ओके तो रेट ही बता फिर नेशनलिटी क्यों पूछी. ओके सो जो दिया हुआ है वो क्यों लेंगे इनपुट बॉक्स में. डन राइट ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. कौन सा वाला ले प्रोजेक्ट प्रिंटिंग को मैक्सिमम 3D. राइट एक काम करते हैं, ये ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर टू कंप्यूट, ये जो लिखा है ना
ये क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर कर वापस लेना, फॉर 10 कस्टमर्स. विल चेक हाउ टू डू इट. जस्ट राइट दिस क्वेश्चन अगेन. फॉर 10 कस्टमर्स, डू दिस फॉर 10 कस्टमर्स. No shortcuts, okay? Write it again. डन, रिटर्न. कुछ आता है दिमाग में कि क्या कर सकते हैं या किस तरीके से हो सकता है? एनी आइडिया? विल वी बी मेकिंग द फ्लो चार्ट फॉर 10 टाइम्स? क्या हम 10 फ्लो चार्ट बनाएंगे? टैं 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 ऐसे 10? नहीं तो फिर दूसरा. एनी रफ आइडिया कि शायद ये हो? देखो, एक बार ये जम गया ना, आप फिर 10 बोलो, 10,000 बोलो, 1,00,000 बोलो, इट वुड बी लाइक चुटकियों में होगा. दिस इज क्वेश्चन लिखा अपन ने, ठीक है. नाउ ठीक है, आप अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, लेकिन न्यू पेज. ओके, देखो अपना जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा अगर अपन आंसर तैयार करने की कोशिश करें, स्टार्ट और CAWL, ओके, ये तो था ही. ओके, उसके बाद वी टुक इनपुट. ये पहला वाला प्रॉब्लम, नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, P, N, R. ओके, इनपुट लिया हमने, उसके लिए लिखा है ना ये क्वेश्चन. हाँ, नॉट फॉर दिस वन, ओके, दिस इज फॉर दिस वन. PNR ये इनपुट लिया, इनपुट बॉक्स. उसके बाद फॉर्मूला SI. देखो ये तो हमने किया ही था, ये तो आप जानते ही है, P × N × R, है ना, ये हमने किया था. उसके बाद वी जस्ट प्रिंटेड SI, है ना, इतना हमने किया था. अब इनके बीच में कुछ कहना है ना, वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग नोन एज यूज ऑफ लूप्स. लूप्स का मतलब क्या होता है कि इट कैन मेक श्योर दैट योर प्रोग्राम कैन लूप एनी नंबर ऑफ टाइम्स. इसके लिए विल हैव ऑलवेज हैव टू टेक अ वेरिएबल, इट कुड बी एनी थिंग, आइदर I और N, कुछ भी एक ले सकते हो. I और N ये यूजली नाम रहते हैं इनके, I और N. उसके यूजुअली नाम I और N रह सकते हैं, छोटा या बड़ा आपको जैसा ठीक लगे. इनिशियलाइज यानी उसको पहले ही वैल्यू दे दो, 8 to 1. ओके, उसको पहले एक वैल्यू दे दो 1. ओके, एंड देन लूप और आइट्रेट टिल द नंबर गिवेन इन द क्वेश्चन. इसमें कितने कस्टमर्स का बोला है अपन को क्वेश्चन में? 10. तो अपने ये कस्टमर में हम 10 को करेंगे. यानी एक वेरिएबल हमेशा लेना है, जब भी बोला ना कि डू इट फॉर 100 कस्टमर्स, 200, 3000, वॉट एवर इट इज, तो ये वेरिएबल लेंगे हम. इट वुड बी लाइक, इसमें हम 1 वैल्यू डालेंगे. ओके, तो इट वुड बी अ प्रोसेस बॉक्स. 1 वैल्यू डाल रहे तो प्रोसेस बॉक्स, I took I, बड़ा वाला I is equal to 1. इतना क्लियर है? अब इसको मुझे घुमाना है 10 टाइम्स. ओके, तो 10 टाइम्स घुमाना, एक ही लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक है, समझने की कोशिश करेंगे.
what I'll have to do, I'll have to make sure that I loop this flowchart. तो मेरे को एक बार ये complete होता है, इतना हिस्सा एक बार complete हुआ, उसके बाद इतना हिस्सा एक बार complete हुआ, तो I have to increment I. It would become 2. 2 के लिए वापस मुझे ये घुमाना है. Then again it would be incrementing by 1. Then 1. ऐसा एक एक बार increment करना है. And last में I would be just checking whether I, if I equal to, नहीं बड़ा है मेरा, if I equal to 10. बड़ा आए है इफ आई इक्वल टू 10 क्वेश्चन मार्क. यस है तो हम देखेंगे क्या है, स्टॉप करेंगे जो भी. नो है, जब तक नो है मेक श्योर कि यू राइट दिस आई इक्वल टू आई प्लस 1. इसका मतलब क्या कि आई को 1 से बढ़ाओ और वो आई में स्टोर करो लेटेस्ट वैल्यू. समझ रहा है? तो पहले आई 1 हुआ, देन इट कम्स डाउन, इट प्रिंट्स द एस आई. उसके बाद इज 1 इक्वल टू 10, इज 1 इक्वल टू 10, नो राइट. तो आई में क्या होगा अब, आई प्लस 1, आई में 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2. 2 आई में स्टोर हुआ, देन अगेन वी वुड बी लूपिंग इट. पीएनआर वो आया नीचे, 2 इज इक्वल टू 10, नो. तो आई में क्या हुआ अब, 3. समझ रहे? ये होगा लूप. अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, ये मेरे को कनेक्ट करना है. विल आई बी कनेक्टिंग ईयर और ईयर, विल आई बी कनेक्टिंग द ऊपर वाला हिस्सा या लोअर वाला, आई इज इक्वल टू 1 के ऊपर या आई इज इक्वल टू 1 के नीचे. आई इज इक्वल टू 1 के ऊपर, व्हाट यू हैव टू से, यस 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 यस, आई इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ऐसा बोलते हो आप लोग. देखो जैसा भी, लॉजिक ये है कि आई इक्वल टू 1 पे मैंने कनेक्ट किया, समझो. तो क्या हुआ कि पहले स्टार्ट करते हैं अपन, ओके. आई इक्वल टू 1, 1 इनपुट पी एन आर, ये प्रिंट ऐसा है, इज 1 इक्वल टू 10, इज 1 इक्वल टू 10, नो है ना. तो इसमें क्या आ जाएगा, आई में व्हाट वुड कम इनटू आई नाउ, 1 प्लस 1, जो इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी दैट वुड बी 2. अब वापस इधर गया, अब आई में नई वैल्यू क्या आ गई वापस, अरे दिस 1, वापस 1 आ गई, ओके. तो अगर मैं इधर लगाऊंगा तो वो सिर्फ 1 और 2 में खेलते बैठेगा, ओके. तो इट वुड बी गोइंग इनटू एन इनफाइनाइट लूप इफ आई कनेक्ट इट ओवर हियर. तो इधर नहीं, यानी जो इनिशियलाइजेशन होगा वो हमेशा बाहर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज दिस वुड टेक इट टू इनफाइनाइट लूप, 1 फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ओके. धीरे धीरे आएगा ये, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट द लॉजिक बिहाइंड इट, ओके. सो कहने का मतलब ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा तो आपको एक पॉइंट मिलता है कि इनिशियलाइजेशन, इसको काउंटर भी बोलते हैं, ओके, आई को, बिकॉज इट इंक्रीजेस बाय 1, द काउंट इंक्रीजेस बाय 1 एवरी टाइम. इनिशियलाइजेशन शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन व्हाट, इन द लूप, ओके. इट शुडंट बी, इट शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन द लूप. Yes हुआ, देखो इधर देखेंगे मेरे पास, I समझो 9 हुआ, 9, इट कम्स डाउन, इट कम्स डाउन, इज 9 इक्वल टू 10, नो. अब इधर I में क्या आएगा, 9 प्लस 1 दैट वुड बी 10, फिर हमने इधर लगाया, फिर उसने नीचे आया, प्रिंट किया 10th कस्टमर के लिए, इज 10 इक्वल टू 10, यस. स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, समझ रहा है, ओके. तो इसको लिखेंगे अपने बुक में. अगर मैं बोलूं कि ये 100 कस्टमर के लिए करना है तो 10,000 के लिए डन, ओके. मतलब ना तो 10 फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत और ना 10,000, राइट. सो इफ इट इज लाइक 10,000, इधर इधर की वैल्यू चेंज करनी है बस, राइट. सो राइट इट, राइट दीज थिंग्स एज वेल, यूज ऑफ लूप्स, टेक अ वेरिएबल I or N, initialize it to 1 to 10, then loop or iterate till the number given in the question, okay.
Understanding? Okay. Done. Okay. Understood. Okay. Completed? Any doubt? ओके बट अंडरस्टूड एटलीस्ट राइट ठीक है अगर समझाए तो अच्छी बात है एक प्रॉब्लम लेते हैं देन विल बी स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल राइट दिस इज द प्रॉब्लम जस्ट राइट द क्वेश्चन Similar to the one which we saw of two numbers, but इसमें right, so read a comma b comma c, input रहेंगे a comma b comma c. या स्टार्ट हाउ विल यू डू इट कैसे कोशिश कैसे करोगे आप इधर देखेंगे स्टार्ट करने के पहले कैसे कर सकते इनपुट सी ए डब्ल्यू एन इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी उसके बाद देखो यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन बॉक्स लाइक दिस ओके नेवर यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन बॉक्स
आप अवॉइड करेंगे, ओके okay? ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नजर आएंगे, बट अवॉइड मेकिंग डिसीजन बॉक्स लाइक इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसा नहीं. ओनली टू वेरिएबल्स कुड बी देयर, ओके. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ ओनली टू वेरिएबल्स इनसाइड इट, ओके. तो स्टार्ट कोई भी दो वेरिएबल से कर सकते हो आप, जैसे इफ ए ग्रेटर देन बी, कोई भी दो वेरिएबल से स्टार्ट करो. उसका कोई येस होगा, उसका कोई नो होगा. येस रहा तो ए ग्रेटर देन बी, येस रहा तो फिर नहीं, नहीं ए बी से बड़ा है, येस है. किसको? बी तो छोटा हो गया ना ऑलरेडी, ए को, ओके. और उसके नो में, उसके नो में फिर आप बी बड़ा है तो बी को सी से चेक करेंगे उसके नो में. एंड देन यस और नो उनके कहां लेकर जाते हो, देखो राइट. स्टार्ट करो, ओके. ये तो दिस इज लाइक वेरी चिल्लर, अभी तो प्रॉब्लम्स आने बाकी है, ओके. दिस इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल, लेकिन लॉजिक बनाने के लिए करना पड़ेगा. या एनी टू यू कुड टेक इट, इज द वे इन विच यू शुड स्टार्ट.
Shall we try? All right. ओके तो ए बी सी में से तीनों में से कौन सा ग्रेटर है डिटरमाइन करना है. तो पहले तो स्टार्ट से स्टार्ट, उसके बाद अपना सॉरी प्रोसेस बॉक्स CAWL इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी. एग्जाम में अगर छोटा दिया है लाइक स्मॉल केस, मेक श्योर दैट यू यूज स्मॉल केस. नाउ वी कुड स्टार्ट विथ एनी थिंग, ओके एनी टू वेरिएबल्स. आई स्टार्ट वी हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. इफ ए ग्रेटर देन बी, इसका कुछ यस yes रहेगा, इसका कुछ नो रहेगा. अब यस है यानी ए इज ऑलरेडी ग्रेटर देन बी. अपन को अपन वी नीड टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट, यानी जो ए बी सी में से तीनों में से बड़ा है. जनरल प्रॉब्लम बनेगा यानी ए बी से बड़ा ये ऑलरेडी मिल गया. तो नाउ चेक ए विथ सी इफ ए इज ग्रेटर देन सी. अभी ये सी से बड़ा है तो सीधा सीधा क्या रहेगा, प्रिंट ए. ओके प्रिंट ए. अब इसका नो क्या रहेगा, देखो नो ए बी से बड़ा है यानी इज यस, ए इज ग्रेटर देन बी. नाउ ए इज ग्रेटर देन सी, ये नो है. नो मतलब सी ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है जो ए ऑलरेडी बी से बड़ा है. सी ए से बड़ा है और ये ए ऑलरेडी बी से बड़ा है. ओके तो इसका मतलब सी बी से बड़ा हो जाएगा. ओके सो वी कुड डायरेक्टली राइट दैट सी इज द ग्रेटेस्ट, प्रिंट सी. ओके तो ये तो यस वाला पार्ट हो गया. नाउ वी गो टूवर्ड्स द नो वाला पार्ट. इफ ए ग्रेटर देन बी, नो तो बी बड़ा है, इसका मतलब यहां बी बड़ा है. ओके तो बी बड़ा है तो बी के बी को फिर चेक करो. बी को किससे चेक करो, बी को सी से चेक करो. बी का नो बी ग्रेटर देन सी अगर यस है तो वी गेट मतलब बी ए से बड़ा, बी सी से बड़ा, यानी बी सबसे ज्यादा बड़ा हो गया ना, प्रिंट बी. ओके नाउ अगर ये नो है यानी बी ए से बड़ा और सी सी बी से बड़ा, यानी बी इज ग्रेटर देन ए एंड 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 सी इज ग्रेटर देन बी. ओके तो अगर बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है जो बी ऑलरेडी ए से बड़ा है. ओके तो सी बी से बड़ा है जो बी ऑलरेडी ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली सी. इसका मतलब क्या कि वे आफ्टर टू डिसीजन बॉक्सेस यू डेफिनेटली गेट अ प्रिंट बॉक्स. वापस डिसीजन बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दिस इन सच इन दिस प्रॉब्लम. सो इट वुड बी प्रिंट सी है ना बी, और इस केस में नो है यानी ये नो है यानी सी बड़ा है तो सी. अंडरस्टूड. ओके नाउ यू कुड जस्ट कनेक्ट दिस टू कॉमन स्टॉप. या फिर इधर अपन क्या कर सकते थे, अगर आपको थोड़ा सा, ये चार प्रिंट बॉक्सेस है अपने पास जिसमें से दिस वन एंड दिस वन इज सेम. तो अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, इसको अगर मैं रब करता हूं मैं क्या कर सकता हूं कि आई कुड कनेक्ट समथिंग नोन एज अ कनेक्टर ए इधर और इधर ए. इफ यू अंडरस्टूड मतलब इसका मतलब क्या कि इधर आएगा तो इधर से जा और प्रिंट कर दे. ओके तो कनेक्टर से हमको वो भी कलेक्ट करेक्ट था, ये कनेक्टर का और भी यूज है हम देखेंगे, लेकिन यू कुड कनेक्ट दीज ऑल. ओके ट्राई टू ब्रिंग द स्टॉप इन द सेम लाइन एज स्टार्ट. ये इस तरफ ये भी इसको जुड़ेगा. ओके एंड दिस वुड बी अ स्टॉप. राइट क्लियर डन अंडरस्टूड सिंपल. राइट नेक्स्ट सेशन में वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम व्हिच वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. राइट थैंक यू.